क्या बदतमीजी विद्या? अरे पंडित जी, जिंदा लोगों का श्राप कौन करता है जरा बताइए हमें। वैसे बाकी सब है, सब धुन धुबा कर भगे क्या? अगर आपको अपना श्राप कराना ही था तो पूरे शुक्ला परिवार के साथ करा दे। हाँ मैं अभी जिंदा हूँ, कुछ ऐसा ही सुनने में आया जब बिंदिया की मौत का मातम मनाया जा रहा था। क्यों दिखाई नहीं दे रहे? हम बिल्कुल ठीक ठाक तो करें। कृष समेत पूरे परिवार को तो ऐसा ही लगा कि बिंदिया दुनिया छोड़कर चली गई है। वाह बाबूजी, आपने तो साक्षात में हमारा अंतिम संस्कार करके हमें अंतिम टाटा बाय बाय भी बोल दिया। पर जब तक हमें हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ना हम टाटा बोलेंगे और ना ही दिल। क्या होता है, एक तो वो मरने के बाद जो श्राद्ध होता है वो आत्मा की शांति के लिए होता है, लेकिन ये है कि ये घर की शांति के लिए, ताकि बिंदिया दोबारा यहाँ ना आए ये सब देखने के बाद। तो ये इसलिए है ताकि हमारे घर में बहुत ही अशांति फैल गई है जो बिंदिया के कारण, उसे कहीं ना कहीं शांति मिले तो इसके लिए जिंदा लोगों का ही श्राद्ध करना पड़ रहा है। अब बिंदिया के हिसाब से तो उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कृष है, क्योंकि कृष ने उसे पहाड़ से धक्का दे दिया था। बिंदिया के सामने तो यही सच है, जबकि हम जानते हैं कि ये सब पायल का किया हुआ है। फिलहाल कृष भी नाराज है, क्योंकि आज बिंदिया ने कुछ ऐसे डिमांड रख दी है कि परिवार वाले भी सोच रहे हैं कि बिंदिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। क्या चाहिए? क्या आपको पूरा पारक चाहिए? ये देखो, मतलब चलनिया नवाब मर गए, औलाद छोड़ गए, इतना बड़ा सपना देखने चली हो? सपना नहीं देख रहे, बस अपना हक मांग रहे। हाँ, बिंदिया ऐसा नहीं कर सकती, ये किसी का मास्क लगा कर क्या, ये इसके पीछे बहुत ही तगड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग है। उसका जो ये नया अवतार है जिसके अंदर से वो घर वालों को ऐसे परेशान कर रही है, बहुत ही उल्टा सीधा बोल रही है, ये सब एक प्लान्स है, प्लान है किसी का। तो वो आपको समय आने पर पता लगेगा कि ये किसका प्लान है और कितना खतरनाक प्लान है और ये कहाँ तक जाएगा, इसका क्या अंजाम होगा। अब देखिए, सीधे इंसान की ना दुनिया में कोई कीमत नहीं होती है। जब आप थोड़े से टेढ़े बन के रहोगे ना तो सब कोई सीधा हो जाता है। तो बिंदिया ने भी ये वाला पाठ पढ़ लिया है, अब वो घर की बहू है, इस नाते से हिस्सा मांग रही है अपना। वही तो अम्मा, आप हमें इस घर में बहू बनाकर लाई, पर हैसियत ढीले घर की नहीं थी हमने, इसलिए हम अपनी हैसियत बनाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाए हैं। बिंदिया ने जब ये बात सबके सामने रखी तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है। अब भाई यकीन तो करना होगा, क्योंकि बिंदिया आज की बहू है, कल वाली बिंदिया को भूल जाइए। अब देखना ये नई बिंदिया कितने पापड़ बिलवाएगी इन सब से। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, गेट आउट। अरे बार बार पर गुस्सा काहे करने लगते हैं कृष्णा जी, प्यार से मांग रहे हैं तो प्यार से दे दीजिए, काहे कोर्ट कर दे रही की जिलते सेना चाहते। आपके बाबू का नाम कृष्णा शुक्ला नहीं, हट बढ़िया करो दी जाते नामकरण, तुम सिखाए हम तुमको, बनाएगा तुम्हारा पहचान पत्र। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, किसी भी लव स्टोरी में ना कभी प्यार होता है तो कभी टकरार होती है, एंड ऐसे ही प्यार की कहानी आगे बढ़ती रहती है। तो कुमकुम भाग्य में भी कुछ ऐसा हो रहा है। अब आरवी जो है एक तरफ तो पूर्वी को मरहम लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच इनके बीच की नोक झोंक भी जो है वो जारी है। जरा ये वही हुआ ना जो हमने देखा, क्योंकि इनके बीच प्यार ये तो किसी सपने से कम नहीं।
इतनी भी उम्मीद आप सभी मत करिए, क्योंकि ये पूर्वी और राजवंश है, इनके बीच कैट फाइट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना मदद, ना प्यार, ना केयर। और जिसकी सभी को उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। अब इन दोनों के बीच प्यार तो है, मगर मोनिशा नाम की बला की वजह से इनके बीच टकरार ही टकरार होती रहती है। मत करो, तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा तुम्हारा। हो जाएगा, इससे पहले भी एक बार की मेरी मदद की, समाज के सामने मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे शर्म की, इससे ज्यादा बुरा आज तक मेरे लिए कभी कुछ नहीं। वैसे मोनिशा ने भी यहाँ अपने भोले भाले राजवंश को अपनी बातों में फंसा ही लिया और ऐसी चाल चली कि आरवी को कहनी पड़ी वो बात जिसको सुनकर आपको भी मोनिशा के ऊपर गुस्सा आ जाएगा। अब आरवी भूल गया कि पूर्वी उसी तरह से जवाब देती है जैसा आरवी उसके साथ बिहेव करता है। तभी तो देखिए ना, पूर्वी ने भी उसे वही कहा जो शायद ही उसने एक्सपेक्ट किया हो। वैसे अच्छे तो तुम भी मुझे मिले, पर अभी जो आई मीन जो अच्छे बन रहे हो उन्होंने देखते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि आरवी को कहीं ना कहीं तो दिख रहा है कि पूर्वी अच्छी लड़की है और वो पूरे घर के लिए अच्छा कर रही है, सबकी देखभाल कर रही है, तो एक सेंस ऑफ गिल्ट तो उसके अंदर है ही कि वो जो ये कर रहा है वो पूरा सही नहीं है। ऑफ कोर्स उसका बदला पूरा हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको ये भी देखना है कि वो एक अच्छे इंसान के साथ बुरा ना करे। वेल, फिलहाल मोनिशा आप भली ही खुश हो रही हैं, मगर आप ये याद रखिएगा कि हीरो की मोहब्बत चाहे जो भी हो वो अंत में अपनी हीरोइन के पास ही आएगा, और यहाँ हीरोइन पूर्वी है और आरवी कहीं ना कहीं उसके लिए प्यार महसूस करता है, बस जता नहीं पा रहा है। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आपका पत्ता साफ हो जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया आज तो गजब हो गया, टीवी सीरियल के हीरो को हीरोगिरी करने का मौका मिल गया। आई मीन देखिए ना, कुंडली में जो करण है वो एक्शन हीरो बनकर ढिशम ढिशम कर रहे हैं गुंडों के साथ। वो क्या है कि राजवीर को गुंडों ने घेर रखा है, तो अब राजवीर को बचाना है तो करण को एक्शन हीरो तो बनना पड़ेगा। हीरो की एंट्री। ये हीरो ने मारा एक मुक्का, एक एक कर की गुंडों की धुलाई। भाई आज तो करण एक शेर और राजवीर को मारने आए गुंडे भेड़िए लग रहे हैं, क्योंकि करण ने गुंडों पर धावा बोल दिया है और एक एक कर करण सबकी बैंड बजा रहा है। करण लूट रहा हूं मैं, एक बार कुछ करने की सोच लेता हूं ना उसके बाद दुनिया तो क्या, खुद करण लूट रहा हूं उसे नहीं रोक सकता। कमान! और इन सभी में उसका साथ दे रहा है शौर्य भी। जब बात अपने बेटे राजवीर की हो तो करण उस पर आने वाली हर मुसीबत का सामना करेगा। तभी तो आज जब राजवीर को मारने के लिए गुंडे आए तो करण राजवीर की ढाल बनकर उन सभी गुंडों से लड़ा। आज करण बन गया एक एक्शन हीरो, जहां उसने सभी गुंडों से करी जबरदस्त फाइट और एक एक कर इन गुंडों को सबक सिखाया। और यहां करण की मदद करता हुआ नजर आया शौर्य और उसने भी गुंडों की जमकर पिटाई की। आ, 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 आ,
मजा आता है ऐसे वाले सीन करने में, क्योंकि एक्शन डांस वांस का एक अलग ही एक तड़का है एक्टिंग वर्ल्ड में। तो जब भी आप एज एन एक्टर जब भी आप कभी काम कर रहे होते हो तो ये भी जब भी ऐसे वाले सीक्वेंसेस आते हैं तो आप थोड़े हाई अलर्ट पे हो जाते हो। आप थोड़े मतलब सुबह से आपको पता होता है कि आप करने वाले हो तो आप सुबह थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करके आते हो, जिम विम मार के आते हो, भाग भूग के आते हो, तो यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ थोड़े से टैक्सिंग होते हैं, मजा आता है लेकिन ये करने में। अब एक बाप के बार से इन सभी गुंडों की हालत खराब हो गई। भाई किसी तरह अब करण और शौर्य ने इन गुंडों को तो भगाया, लेकिन यहाँ पलकी और बाकी सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिरकार ये गुंडे किसने भेजे और क्यों? हम तो ये जानते हैं कि ये गुंडे निधि के भेजे हुए हैं। तभी तो जब निधि को ये बात पता चली कि शौर्य गुंडों के पीछे गया है, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसे अचानक से शौर्य की फिक्र होने लगी। इस बात के लिए वो करण से भी लड़ गई, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि निधि आपको डर लग रहा है कि कहीं आपका राज ना खुल जाए। अब फिलहाल तो इन गुंडों के बारे में करण नहीं जानता है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि वो सच जानने की कोशिश जरूर करेगा। निधि फिर आपका क्या होगा? मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जरा बताइए कि खाली बॉटल के साथ कौन सी गेम खेली जा सकती है? ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली ट्रुथ एंड डेयर। तो भैया जब आयशा और अभिषेक का नया म्यूजिक वीडियो आया है जिसका नाम ही है खाली बॉटल, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ यही गेम खेली जाए। गलती प्यार करके सबसे बड़ी गलती नहीं, आप ट्रूथ एंड डेयर पूछो ना, कमेंट क्यों पूछ रहे हो? मेरी सबसे बुरी आदत जो मुझे नहीं पसंद है कि मैं बहुत सोती हूँ, खा पी के सो जाती हूँ, चलते फिरते सो जाती हूँ, सोती रहती हूँ। सोना अच्छी आदत नहीं, अच्छी चीज़ें मिस हो रही है लाइफ में। कोई कहीं घूमने जा रहा है, मैं सो रही हूँ, मैं घर पे हूँ। मैं प्लान्स कैंसिल करने में बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ, तो कुछ भी हो रहा है तो मैं कैंसिल करके घर पे सो रही होती हूँ। मैं खाली बोतल वाला पता चला था तो बहुत अजीब लगा था कि ये क्या हो रहा है। सबकी दुआएं सलमान सर के साथ हैं, हमारी, पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की, भगवान की, तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ही सेफ और बहुत खुश हैं और बहुत डेयरिंग है वो। आज आई थिंक वो शूट पे भी गए थे नेक्स्ट डे, तो सब अच्छा। सुन के बहुत बुरा ही लगा था, बट आई थिंक ही सेफ एंड जब लोगों का प्यार होता है आपके साथ तो कोई चीज़ आप पे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, सो वी आर वेरी ग्लैड दैट ही सेफ। बहुत प्रिपेयर्ड ही थे कि पूरा मिक्स ऑफ इमोशंस होने वाला है, पूरा रोलर कोस्टर होने वाला है, एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी। बहुत अच्छा हुआ है गाना। एंड अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी स्टोरी लाइन का तो हमें पता ही था, ऑब्वियसली पहले ही बता दिया था, और स्टोरी पता थी तभी हमने ये शूट भी मतलब हमने किया, क्योंकि कुछ अलग करने को मिल रहा था इनको भी मुझे भी, और गाना इतना प्यारा था तो पता था सब कुछ। मतलब जो जैसा हमारा कैरेक्टर है गाने में, रियल लाइफ में वैसा नहीं है। आप सर का भी देखेंगे या मेरा भी देखेंगे, कहाँ ऐसे स्टोरीज हमें करने के लिए मिलते हैं। सो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है म्यूज़िक, जैसा हमें सब कह रहे हैं कि यू नो फिल्म वाली वाइब है। सो पूरी फिल्म वाली वाइब है। 5 मिनट में आपको फिल्म दिखाई है हमने। खाली बोतल ये जो आपने हमें ला के दिया है इसे आप लोग भरिए, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, और गाना अगर पसंद आए तो ढेर सारी रील्स बनाइए, हम आपकी रील्स देख रहे हैं और रीशेयर करेंगे। सो प्लीज़ बहुत सारा भर भर के प्यार दीजिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। 7 साल बाद, नहीं नहीं कोई हॉरर फिल्म नहीं है, एक्चुअली 7 साल बाद होगा मिलन भाग्य लक्ष्मी में, लक्ष्मी और ऋषि का। भैया हमारी तो आंखें पथरा सी गई थी इस मोमेंट के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जब 7 साल बाद इन दोनों का आप मिलन होगा तो जज्बात उमड़ेंगे, रोमांस होगा, समा कुछ अलग ही होगा। तुम्हें कोई मतलब नहीं है मेरी जज्बातों की, मेरी भावनाओं की, मेरी कोई मतलब नहीं है तुम्हें, और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मिलकर बिछड़ना महज इत्तेफाक होता है, और कोई दीवाना अपने उस प्यार का इंतजार करे तो उसके जज्बात समंदर की तरह बन जाते हैं, और वही शख्स जब काफी अरसे बाद, या यूं कहें कि जैसे आज लक्ष्मी और ऋषि का मिलन हुआ है 7 साल बाद, तब ऐसे में घटा तो बरसेगी ही, जज्बात तो उमड़ेंगे ही। हमें भी इस पल का इंतजार था कि ऋषि और लक्ष्मी कब मिलेंगे और वो मिलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें भी पता नहीं था एग्जैक्टली होने क्या वाला है। बट फाइनली, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया कोई इंसान मर गया 7 साल का मुझे दिख गया तो मुझे पता नहीं था कैसे रिएक्शन देना है, बट जो दिल से निकला वो निकाल दिया। मैंने भी तुमने तो देखा था ना, मैंने तो काफी दिल से किया है ये सीन। एक दूसरे पर इल्जामों के तीर चलाए जाएंगे, क्योंकि ये इमोशन है उन 7 सालों का, जहां इश्क से मिली चोट का एहसास लेकर लक्ष्मी अपने दिल में पाल रही थी, लेकिन आज लक्ष्मी और ऋषि ने जब एक दूसरे को देखा तो सब्र का बांध टूट गया। जहां ऋषि अपनी बीती गलतियों की माफी तलाफी कर रहा है, वहीं लक्ष्मी ऋषि पर बादल बनकर फट पड़ी है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो किसी और को नहीं बल्कि ऋषि को मानती है। इसलिए आज भी जब मिली तो उसने हाथ जोड़कर उससे दूर होने का फैसला कर लिया। और मैं तुम्हारी माफी सुन रही हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, इससे तुमने मुझसे शादी की, पर नहीं, तुमने मुझसे शादी की मार्केट दो से बचने के लिए। तुम्हें कोई चाहिए था जो तुम्हें बचा सके, तुम्हारी जिंदगी बचा सके, बस। अब नहीं मुझे तुम्हारी नहीं तुम पर। और ये भी कहा कि वो कभी भी ऋषि को माफ नहीं करेगी। उसके बाद तो ऋषि की हालत देखने लायक थी। दर्शकों, आखिर वो इंतजार खत्म हो ही गया जिसका कई दिनों से इंतजार था, कि आखिर कब मिलेंगे लक्ष्मी और ऋषि, और देखो जब मिले तो क्या समा बन गया। और इस सीन की बात करें तो ये पूरा सीन 1 टेक में शूट किया गया है। इतना इंटेंस भरा सीन था जिसे वाकई 1 टेक में करना मामूली बात नहीं है।
यार थैंक यू, आप हमें ये चीज नोटिस करवा रहे हो कि हमने वन टेक में सीन कर दिया, क्योंकि एक्चुअली शायद हम दोनों ने रियलाइज नहीं किया कि हमने इतना लंबा सीन वन टेक में कर दिया, और किसी ने एक्चुअली हमें आके ये बोला भी नहीं कि आपने वन टेक में कर दिया, क्या किया है कुछ, कैसा कोई अप्रिसिएशन नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है, थैंक्स, हमें जरूरत ही नहीं किसी की अप्रिसिएशन की, हमारी ऑडियंस हमें अप्रिशिएट करती है, यहां पर भी सबको पता है और सबको आदत होगी कि हम कर लेंगे, हां वो भी है। अब क्या है, लंबी जुदाई के बाद मिलने का मजा ही कुछ और होता है, इसलिए तो आज लक्ष्मी का गुस्सा जो 7 साल से भरा पड़ा था वो फूट पड़ा। एक तरफ लक्ष्मी ऋषि का मिलन हुआ तो दूसरी तरफ आयुष की भी शादी होने वाली है, लेकिन जनाब अभी भी शालू और लक्ष्मी के ख्यालों में गुम है। शालू जब से दिख गई है मुझे, मैं उस जोन में चला गया हूँ कि टू लेट हो गया, अब क्यों शालू वापस आ गई है, एंड आई कैन फील दैट लव अगेन इन माई हार्ट, बट वो ठीक नहीं है क्योंकि हम मैरिड टू समबडी, तो वो वाले जोन और वो वाले गिल्ट में कि लक्ष्मी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था उस टाइम की, वो सब चीजें ना फ्रेश हो गई है। चलिए जब ऋषि और लक्ष्मी मिल ही गए हैं तो आयुष आपकी भी मुलाकात शालू से हो ही जाएगी, वैसे अभी आप इस लम्हे को एंजॉय कीजिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, अबीरा के अरमानों पर पानी फिर गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि अरमान का गुस्सा जो भड़क गया। आखिरकार क्यों भैया, और वो भी अबीरा पर। चलिए जाकर थोड़ी तफ्तीश करके आते हैं। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। और तुमने मुझे भी नहीं बताया। प्यार करते हैं अगर वही आपसे खफा हो जाए तो आप वाकई में टूट जाते हैं, और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अबीरा के साथ, क्योंकि आज उसका दिल किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अरमान ने तोड़ दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि अरमान उदास हो गया है और अब वो अबीरा का मुंह तक नहीं देखना चाहता। अब आप सोच रहे हैं कि सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि अरमान को गुस्सा आ गया, तो आपको बता दें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चारू का राज खुल गया है और उसके अफेयर की बात सभी को पता चल गई है, और ये भी पता चल गया है सभी को कि चारू के अफेयर के बारे में अबीरा सब कुछ जानती थी। अरे चारू ये सब कर रही थी, तुम्हें नहीं लगा कि ये सब गलत है, तुमने रोका भी नहीं उसे, तुझे ये बात पता थी, जो चारू है वो अपने बॉस को पसंद करने लग गई है, और जब वो घर पे आती है तो उसकी जो ये सीक्रेट है ये सबके सामने खुल जाती है, तो अभी मम्मी साहब उस पर बहुत बुरी तरह से नाराज हैं और उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, और ये सब के बारे में अबीरा को पता था, तो बहू होने के नाते उसको हमको बताना चाहिए था, बट मैं बहुत बड़ी अबीरा लवर हूँ पर मुझे भी आज थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बता देती अगर टाइम पे तो हम लोग उसके बारे में कुछ सोल्यूशन कर सकते थे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद घर वाले शौक है और अरमान परेशान है कि एक बार फिर अबीरा ने उसके दिल को तोड़ दिया है, और इन सब के बाद अब अरमान के पास कुछ नहीं बचा है सिवाय गुस्सा करने के। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। तुम्हें कैसे पता चला? और नॉनसेंस, हम बच्चे हैं जो एक दूसरे के कान में सीक्रेट बोल रहे हैं। तुम जाती हो दादी से और पापा से कितने स्ट्रिक्ट हैं, और तुमने उसकी स्टूपिडिटी को और बढ़ावा दिया है। तुम्हें भी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। करे भी क्यों ना, उसे अपनी बहन की फिकर जो है, और आज इसी वजह से उसने अबीरा को काफी कुछ सुना डाला,
चारू के चक्कर में अभी अभीरा की राह थोड़ी मुश्किल में आ गई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभीरा काफ़ी स्मार्ट है और अभीरा कुछ तरीके से कुछ तो करेगी जिससे प्लॉट ट्विस्ट आएगा और अभीरा फिर से हमारा मन जीत लेगी एंड थोड़ा कुछ सोल्यूशन होगा इस बात का। अभी देखते आगे क्या होगा, मुझे भी नहीं पता राइटर्स ने क्या सोचा है। वैसे कहानी में तो आप जानते हैं कि अभीरा अपने प्यार को कन्फेस करना चाहती थी और सब कुछ उसके प्लान के अनुसार भी हो रहा था, मगर यहाँ उसका प्यार किसी को रास नहीं आ रहा था और ये आप और हम दोनों ही जानते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रूही ही है। अब अबीरा रो के कोई फायदा नहीं है क्योंकि घर वाले एक बार फिर आपसे नाराज हो गए हैं और इतना ही नहीं आपका प्यार अरमान भी। अब बस उम्मीद इस बात की जा सकती है कि रूही ने जो किया है उसको आप ठीक कर लें। मुंबई से कैमरा पर्सन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मंगल लक्ष्मी में ये जो शांति देवी आई है ना, इनका नाम अशांति देवी होता तो बेटर होता क्योंकि इनका काम अशांति फैलाना ही है। अब देखिए ना, मंगल की सास आई है कार्तिक का रिश्ता लेकर फॉर लक्ष्मी, लेकिन अशांति देवी, मेरा मतलब है कि शांति देवी ऐसा उलझाएंगी सबको कि लिपिका को तैयार करके सामने खड़ा कर देंगी। अब आप ये बताइए कि हमने मंगल से किसका रिश्ता तय करने का वादा किया था? लक्ष्मी का। तो फिर मंगल के कहने पर आपको गलतफहमी कैसे हो सकती है समदन जी? कोई दुखी नहीं बनता, या फिर आप अपनी मर्जी से अपने हक में जो हो वो मान लेती है। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, जहाँ मौजूद हो शांति देवी वहाँ कुछ भी हो सकता है। अब देखिए मंगल की सासू माँ और कार्तिक की माँ गायत्री आई हैं शगुन लेकर, ताकि वो कार्तिक का रिश्ता मंगल की छोटी बहन लक्ष्मी से करवा सकें। लेकिन यहाँ तो शांति देवी ने बाजी ही पलट दी, उन्होंने ऐसा दाव खेला कि सभी को उलझा कर रख दिया। लक्ष्मी की जगह शांति ने अपनी बेटी लिपिका को तैयार किया है ताकि कुसुम और गायत्री लक्ष्मी को नहीं बल्कि लिपिका को अपने घर की बहू बनाए। तो अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए, आप लोग कार्तिक का रिश्ता लेकर आए हैं तो क्या देकर लाए? मुझे समझ नहीं आ रहा है लक्ष्मी और कार्तिक का क्या मेल है। अरे लिपिका पढ़ी लिखी है, सुंदर है, मॉडर्न है और कार्तिक के लायक भी है। बाबा रे बाबा, शांति देवी जहाँ हो वहाँ तो शैतान भी खड़ा नहीं रहता, क्योंकि इनके दिमाग में इतने फितने हैं कि शैतान भी इनसे मशवरा लेते हैं। ये लक्ष्मी अनपढ़, बदनसीब, अनाथ, ये गायत्री जी की बहू बनने लायक कहाँ से? मम्मी ऐसा मत बोलिए। खैर, शांति देवी का मानना है कि मंगल ने बहन का रिश्ता कहा इसलिए उसने लिपिका को तैयार किया है, क्योंकि लक्ष्मी तो उसकी रियल बहन है नहीं, वो तो मंगल की कजन सिस्टर है। मंगल बेटा, मैं गलत होने से बचा रही हूँ, इनको रिश्ता करना तो लिपिका से करें, वो तेरी बहन है, उसमें तेरे सारे गुण है। इसलिए शांति देवी ने अपना दिमाग लगाया और उसने अपनी बेटी लिपिका को सजाया ताकि वो कार्तिक की दुल्हन बना सके, क्योंकि कार्तिक के पास दौलत है, शोहरत है और बैंक बैलेंस भी है। फाइनली वो खास दिन आ गया जिस दिन हम पूरा शगुन लेकर जा रहे हैं लक्ष्मी के लिए उसके घर में रिश्ता मांगने, और हमें यहाँ तक ऐसा लग रहा है मुझे और गायत्री को कि अच्छा उसको भी पता ही है कि हम लक्ष्मी के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी ट्विस्ट हो जाती है क्योंकि देखो इंसान को जैसे जो सुनना होता है ना वही सुनता है, तो यहाँ पूरा गेम पलट देती है अपनी शांति जी। शांति जी को कार्तिक के ऊपर पहले से नज़र है कि हाँ इतना पैसे वाला घर, इतने पैसे वाले लोग, इतना बड़ा सुपरस्टार, वहाँ पे ऐसी मनहूस लड़की की शादी कैसे हो सकती है। अब मंगल की सास तो मंगल पर भड़कती है क्योंकि उनका मानना है कि मंगल ने क्लियर क्यों नहीं किया। वैसे अब ये रिश्ता बनेगा या टूटेगा
वो भी आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक SBS वहां तक। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। एंड यू नो ना कि इट्स अ मंडे और मंडे को हाई पॉइंट्स देने आती है चुगलखोर आंटी जी। हेलो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लाई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि झनक अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही है, घर वाले और अर्शी उसकी इस कामयाबी से जल भी रहे हैं। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? ऐसा क्या है न्यूज़पेपर? झनक के बारे में स्टोरी छपी है आदित्य कपूर के साथ। लेकिन बहुत जल्द ही झनक एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। जिस आदित्य कपूर के साथ झनक एड शूट कर रही है उसकी नजर झनक पर है और अब वो झनक का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तुम ना नई डिस्कवरी हो मेरी, शूट के बाद तुमसे बात करनी है मुझे। शूट के बाद में मेरे कमरे में आ जाना और आराम से बैठकर बात करें। अब ऐसे में अनिरुद्ध अपनी झनक को बचाने जरूर आएगा और यहाँ से ही होगी झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की नई शुरुआत। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। अब धवल के नताशा के घर आने से ये तो हुआ है कि उन दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो मिट गई है। अब देखिए ना कैसे रिमझिम बारिश में रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं धवल और नताशा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तूफान के आने से पहले का रोमांस है, क्योंकि शालिनी के आने से शो में काफी ट्विस्ट आने वाला है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। अब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ती है और अब निर्मला को सबक सिखाने के लिए इन्नी ने किया है पलटवार। दरअसल निर्मला ने इमली का एडमिट कार्ड छुपा दिया था और ऐसे में इमली ने उनके सारे कपड़े गहने छुपा दिए हैं। अब निर्मला ने खुद ही ये मान लिया कि एडमिट कार्ड उसी ने छुपाया था। दुनिया में भी कैसे कैसे इत्तेफाक होते हैं ना काकी, आज हमारी भी जरूरी चीज खो गई और आपकी भी। इमली, मेरा अलमारी से मेरा गहना मेरा कपड़ा निकाल के किधर रखा? हमने पोटलिया बना के वो कबाड़ी वाला को दे दिया। तुम मेरा प्योर गोल्ड का ज्वेलरी और मेरा कांजीवरम का साड़ी कबाड़ी वाले को दे दिया। अब बेचारी इमली अपने सपनों को पूरा करे या फिर अपनी जेठानियों की साजिशों का पर्दाफाश करे, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि इन सब में सूर्या इमली का साथ जरूर देगा। तुमको लगा मैं वो एडमिट कार्ड कूड़े में फेंक दिया, पर वो एडमिट कार्ड तो कूड़े में था ही नहीं। अरे उधर कैसे होगा, क्योंकि उसको तो मैं छुपाया ना। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल मेहंदी वाला घर की। भाई अब मौली करवाएगी मनीषा और करण का मिलन। उसने तो ये ठान लिया है कि वो करण और मनीषा को एक कर ही रहेगी। मौली भी चाहती है कि जान की माँ मनोज को माफ कर दे और अब वो एक अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करती हुई नजर आएगी। इस दौरान मौली को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन भाई राहुल उसका साथ जरूर देगा। जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी उस पॉइंट पे जाके अगर इस कहानी का हिस्सा ही चेंज कर दे तो सब ठीक हो जाएगा ना पापा। जानकी माँ आपको माफ कर देंगी ना। पर ये तो करेगी कैसे? सिर्फ मैं नहीं, हम मनीषा बुआ की शादी कराएंगे। कहा था ना मैंने कि मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत करो,
तुमने बात ना मानने की कसम खाई है मौली। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल उडारिया की। अब उडारिया की कहानी एक बार फिर से रिपीट मोड पर लग चुकी है, जहाँ महर को अपनी ही बहन हानिया से जलन होने लगी है। और आज तो महर ने आसमा के साथ भी बदतमीजी कर दी और उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया। ये क्या किया तूने? क्या बदतमीजी है ये? भाई ये कहानी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये कहानी तो आसमा और आलिया की भी थी, नहमत और हरलीन की, और तेजो और जैस्मिन की भी थी। क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा हुआ? ये बताओ ना मुझे क्या हुआ? अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल डोरी की। ये लो भाई बच गई डोरी। अब दादी और सत्तू ने मिलकर बचा लिया है डोरी को, क्योंकि अगर आज कैलाशी देवी को ये पता चल जाता कि भोला ही डोरी है तो उसका तो भांडा ही फूट जाता। लेकिन यहाँ डोरी एक बार फिर से कैलाशी देवी को चकमा देने में कामयाब हो गई है। चढ़ उतार और डुबकी मार बर्फ के पानी में। जल्दी डोरी। चलो इसे एक बात तो साफ हो गई है कि भोला डोरी नहीं है। डरपोक कहीं की। क्या? हमारा मतलब है कि इतनी छोटी सी लड़की देखकर डर गई आप? लो भाई मैं तो चली क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में डिम्पी का रिश्ता आया है। अब जाहिर सी बात है कि वनराज नहीं चाहता कि डिम्पी का रिश्ता आए कहीं से, फॉरगेट शादी वादी आगे जाके। तो अब वनराज वो करेंगे जो बहुत अच्छे से करते हैं, रायता फैलाएंगे और क्या। प्लीज पापा बनिए, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये फैसला दे चुका हूँ दीदी, तुम्हारी शादी सिर्फ प्रतीक से। पापा नहीं चाहते, मैं नहीं करूँ, लेकिन मैं प्रतीक के किसी और से शादी नहीं करूँ। मिस्टर ढिल्लो, मैंने कहा अनुपमा को फोन दो। रोटियां वहां सेक रही है लेकिन आग मेरे घर में लगी हुई है। ऐसी पत्ती पढ़ाई है कि वो घर से भाग गई है। सात समंदर पार बैठी है अनुपमा। इसके बावजूद भी भारत से लग रहा है अनुपमा पर इल्जाम। इल्जाम ये कि डिम्पी के घर से भागने की वजह कोई और नहीं बल्कि अनुपमा है। अब देखिए कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह अनुपमा नहीं वनराज है। अब डिम्पी टीटू से प्यार करती है ये सब जानती हैं। इसके बावजूद वनराज ना डिम्पी की शादी किसी और से करने जा रहा है। डिम्पी ये शादी नहीं करना चाहती है, अब उसकी मर्जी भी तो है। प्लीज पापा बनिए, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये फैसला दे चुका हूँ दीदी, तुम्हारी शादी सिर्फ प्रतीक से। पापा नहीं चाहते, मैं किसी से शादी नहीं करूँ, लेकिन मैं प्रतीक के किसी और से भी शादी नहीं करूं। एक्चुअली ये वनराज के ऑफिस कलीग हैं जो मतलब डिम्पी की ही एज के हैं और अनाथ हैं, तो घर जमाई बनने के लिए रेडी हैं। और क्योंकि उनका एक मतलब एक सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, एक जॉब है उनके पास जो थोड़ा, क्योंकि टीटू एक डांसर है और प्रतीक के पास एक मतलब एक प्रॉपर जॉब है, तो इसलिए वनराज थोड़ा ज़्यादा प्रतीक में इंटरेस्टेड है। और वनराज को डे वन से ही टीटू बिल्कुल नहीं पसंद था, तो जहाँ उनको लगा कि अरे प्रतीक तो मतलब मेरा घर जमाई बन सकता है, तो इसलिए वनराज अब प्रतीक में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 5 साल तक उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब से वो अमेरिका से आई है उसकी जबान ना कैची से भी तेज चलने लग गई है।
ऐसा बा का कहना है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि डिम्पी इतने सालों से, पिछले 5 साल से एकदम सामने नहीं बोलती थी, हमारी जी हुजूरी करती थी या हमारा ख्याल रखती थी, घर का अच्छी तरह से काम करती थी। अब भी उसने अपनी खुद की फीलिंग्स बताई है कि टीटू से शादी करने वाली है। अब उसे अनुपमा ने ये सब सिखाया है, ये भी हमारा नहीं बा का कहना है। हाँ, कहीं ना कहीं डिम्पी को हिम्मत देने वाली तो अनुपमा ही है, तो वो लगेगा कि उसी ने उकसाया है। अब यहाँ पर इस घर में डिम्पी को अगर कोई समझता है तो वो है काव्या। काव्या ने बार बार कहा था कि डिम्पी के साथ जबरदस्ती मत करो। अब देखा ना हाल क्या हुआ, डिम्पी घर छोड़कर चली गई है। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि ये गलती मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो, अरे क्यों आग में घी डाल रही है, चुप करना। अब वनराज की मुसीबत बढ़ गई है, अनुपमा को फोन किया जा रहा है। अब अमेरिका से बैठे बैठे अनुपमा ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देगी डिम्पी को कि वो घर लौट आएगी। फिर मुंबई से सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ईद का त्योहार बीत गया, लेकिन रब से है दुआ में ईद का त्योहार अब जाकर मनाया जाता है। यू नो ना, टीवी सीरियल्स थोड़ा बैकलॉग में चलते हैं, सो इट्स ओके। लेकिन यहां पर खुशी जो है वो दोगुनी है, क्योंकि ईद का त्योहार और साथ में शादी का माहौल। अरे पक्की जो हो गई है शादी हमारे सुभान और मन्नत की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इट इज ऑल दैट सिंपल, ना, यहां पर गुत्थी उलझने वाली है। सारे शिकवे शिकायत दूर होते हैं जो कोई ईद पर चाहत से गले मिलता है। लेकिन यहाँ चाहत और मोहब्बत की धज्जियां उड़ी हुई हैं, क्योंकि मन्नत और सुभान की शादी तो होने वाली है, लेकिन मन्नत के दिल में सुभान की मोहब्बत है नहीं और इबादत जानबूझकर मन्नत की शादी करवा रही है सुभान से, क्योंकि उसे इतना अच्छा लड़का मिल नहीं सकता। लेकिन इबादत को मोहब्बत है सुभान से, वाह। इश्क की ये पहेली अब ज्यादा दिन नहीं बल्कि कुछ ही दिन में सुलझ जाएगी। वैसे ईद तो आकर चली गई है, लेकिन सीरियल की दुनिया में जब जागो तब सवेरा होता है। मन्नू की जिंदगी में सुभान से बेटर लड़का आ ही नहीं सकता है, उसके फ्यूचर के लिए ये बेस्ट चॉइस है। उसका ज्यादा दिमाग है नहीं तो उसको चलाना भी नहीं चाहिए, हम जो बोल रहे हैं वो फॉलो करें, बस दैट्स इट। ईद की खुशियां मनाई जा रही है, एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है, और देखिए कायनात भी शादी के लिए मान गई है, जो इबादत को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा कर रही है। लेकिन मन्नत के दिल में कुछ और, जबान पर कुछ और है। हमें तो लगता है सिर्फ सरफराज ही नहीं बल्कि मन्नत भी धोखा दे सकती है, क्योंकि मन्नत के हाव भाव को देखकर तो नहीं लगता कि वो सुभान से शादी करेगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्या बोल रही हो तुम? अब क्या हुआ इतनी जल्दी? मतलब इतनी जल्दी भी क्या है? इबादत ने ऐसे फोर्सफुली जो मन्नत को ऐसे इसमें फंसाया है, तो अरे नहीं करती वो प्यार पर, इबादत समझने को तैयार ही नहीं है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन है और इबादत की जिद है। अब देखते हैं कि ईद की खुशियों को नजर लगेगी या फिर मन्नत कुछ दिनों बाद अपना नया ड्रामा शुरू करेगी, क्योंकि तभी तो इबादत और सुभान का कनेक्शन जुड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ कर गई नीति, लेकिन फिर भी जब नीति की जान खतरे में आई तो देखिए कैसे राजीव और परी ने जी जान लगा दिया उसको बचाने में। अब इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन इंसानियत के नाते जान तो बचानी ही पड़ती है। आज राजीव ने भी ऐसा ही किया। जब बस खाई में गिर गई, नीति लटक रही थी, तब देखिए कैसे बचाया गया नीति को। एक्चुअली हम फंस गए हैं बस में और बस क्लिफ से लटक गई है और सब बच जाते हैं, लेकिन नीति, परी एंड संजू वहीं पर रह जाते हैं क्योंकि नीति बेहोश हो जाती है और परी उसे बचाने आ जाती है। एंड उसी बचाने में जो कांच है बस का वो टूट जाता है एंड वी ऑल थ्री ऑफ अस फेल डाउन, तो हम नीचे गिर गए हैं और बस फिर हम पेड़ से लटक चुके हैं और फिर संजू कैसे तैसे करके हमें बचा लेता है। आउटडोर का ये सीक्वेंस था जिसे शूट करने में बहुत ही मुश्किल हुई, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर टीम वर्क होता है वहाँ पर सारा काम चुटकियों में हो जाता है। टीम परिणीति के लिए तालियां। भाई भाई सब हो गया। किसके लिए? टीम परिणीति के लिए। टीम परिणीति के लिए तालियां। बहुत मुश्किल है अभी भी। ये जो आप इतना मोटा पेड़ देख रहे हैं, ये हार्नेस लगा है एंड इट्स लाइक टाइड लाइक दिस एंड यहाँ से रोप से हमें बांध दिया जाता है। सो इट्स वेरी टफ क्योंकि यहाँ ऐसे पूरा उसको बांधा जाता है, तो इट्स बहुत मुश्किल है, बट दिस इज हाउ वी वर्क एंड दिस वर्क इज लाइक बाई यू ऑल। अब नीति को क्या इस बात का एहसास होगा कि उसने इतना बुरा किया अपने ही परिवार के साथ, अपने ही सहेली के साथ, इसके बावजूद पूरा परिवार पहुंच गया उसे बचाने के लिए। अब देखिए सीरियल की खलनायिका अगर अच्छा अच्छा सोचने लग जाए तो कहानी में सब कुछ अच्छा होगा, और अगर सब कुछ अच्छा होगा तो कहानी एकदम फीकी पड़ जाएगी। इसीलिए तड़का मारने के लिए खलनायिका को हमेशा ना चालें चलनी ही पड़ती है, तो नीति भी अपनी चाल चलना बंद नहीं करेगी। और हाँ, इतना भी हम जानते हैं कि अब उसे क्या करना है उसके बारे में उसने सोच भी लिया होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।